बिहार में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए छठ महापौर समाप्त होने के बाद अब आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर हैं वो 2400 घंटे खुले रहेंगे। ऐसा रेलवे प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अब यहाँ पर यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि अब आपको जो आरक्षण काउंटर हैं ये 2400 घंटे तक खुले रहेंगे। लगातार ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको बता दें जितने भी लोग हैं छठ महापर्व पर अपने घर आए थे और वो सारे लोग अपने गंतव्य तक जाएंगे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें चले लगातार रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास करता रहता है और वो सोचता है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि छठ महापर्व समाप्त हो चुका है, ऐसे में जो जहाँ पर रहते हैं उनको वापस से अपने स्थान पर जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग छठ महापर्व पर बिहार अपने घर आए हैं, उसके बाद उनकी वापसी भी होनी है। तो ऐसे में अगर ट्रेन की कोई दिक्कत होगी तो यात्री फिर कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो आपको बता दें छठ पूजा के खत्म होने के बाद भी रेलवे स्पेशल ट्रेनों को लगातार चला रहा है। 21 नवंबर को भी भारतीय रेलवे कुल 26 स्पेशल ट्रेनों को चलाया है, यानी आज, और जो पूर्व मध्य रेलवे ECR के 11 अलग अलग स्टेशन से चलेंगी, और पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जी हाँ, पटना, दानापुर, गया, बरौनी, दरभंगा, रक्सौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, जयनगर, राजगीर और धनबाद स्टेशन से ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरअसल दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, वलसाड, अहमदाबाद समेत अलग अलग शहरों में रह रहे बिहार के लोग दिवाली और छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने घर आए थे। इसके लिए खास ट्रेनों के 1500 से अधिक फेरे लगाए गए थे और अब सरकार, जो रेलवे प्रशासन ने अच्छा फैसला लिया है, अब साफ तौर पर यह फैसला लिया गया है कि जो टिकट काउंटर हैं, जो रिजर्वेशन काउंटर हैं, जो आरक्षण काउंटर हैं, वो 2400 घंटे तक खुले रहेंगे। आपको बता दें कि छठ पूजा खत्म हो चुकी है, वापस जाने के लिए लोगों की काफी भीड़ ट्रेनों में उमड़ पड़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार रेलवे प्रशासन ऐसा कर रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।